नमस्ते दोस्तों, आज हमारे इस YouTube परिवार में आपका स्वागत है। मैं अपना पहला वीडियो लेकर आ गया हूँ। मैं सोचा कि मैं अपना पहला वीडियो भाषा पे लेके आऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ संस्कृत या संस्कृत व्याकरण इत्यादि का पाठ पढ़ाना है। तो पाठ्य पुस्तक पढ़ने से हमें पहले व्याकरण इत्यादि के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा भारतवर्ष यहाँ पे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक मत मतांतर से लोग जुड़े होते हैं, और वो सभी मत मतांतर एक भाषा के माध्यम से अपने वाणी को, अपने तथ्य इत्यादि को प्रकाशित करते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि भाषा है क्या। तो भाषा हम लोग तो ये सुनते हैं कि हम लोग जो बोलते हैं वही भाषा है, लेकिन एक बोली भी होती है और एक भाषा भी होती है। भाषा और बोली में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो हम इसे विस्तार से आपको बताएंगे। तो हम आज पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा है क्या। वास्तव में कहा गया है कि जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो हमारे भारत की हों चाहे पाश्चात्य की हो, अधिकतर वो सभी संस्कृत से निकली हुई है, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत बताई गई है। और जो संस्कृत है वो सभी भाषाओं की जननी बताई गई है। और हमारा भारतवर्ष भी ऐसा रहा है जहाँ पे संस्कृत और क्या है संस्कृति ये प्रसिद्ध रहा है, जिसके कारण भारतवर्ष अत्यधिक रूप से माना जाता है और इसे लोग इसी के कारण लोग जानते भी हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, एक उक्ति भी कही गई है से भारतद्वे प्रतिष्ठिते द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारतस्य प्रतिष्ठिते द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो इसीलिए भारत की प्रतिष्ठा अपने संस्कृति एवं ये संस्कृति एवं संस्कृत से रही है, तो इसीलिए ज्यादा जरूरी है। तो भाषा है क्या, आज हम ये जानेंगे। लिखा है भाषा, तो भाषा की व्युत्पत्ति सबसे पहले हुई है संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ है सेतु अर्थात पुल। सेतु को हम लोग पुल कहते हैं, जिस प्रकार पुल का काम होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित हमें पहुंचा देना, या तो पुल उस जगह पे बनाया जाता है जहां पे पार करना हमारे लिए अत्यधिक कठिन हो। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव विचार अभिव्यक्ति इत्यादि को हम सामने वाले के सामने प्रकट कर दें, एवं अपने भाव एवं विचारों को उस तरह समझ सकें जिस प्रकार वह कहना चाह रहा है, यही भाषा का काम है। तो कहा गया है उसी प्रकार हम समझ सकते हैं, तो जिस प्रकार सेतु हमें शहर व्यक्ति गांव आदि से जोड़ता है, उसी प्रकार भाषा भी एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। तो भाषा का काम यही है। तो भाषा और बोली में अंतर है। भाषा एक जिसका व्याकरण होता है, एक व्याकरण का तात्पर्य एक नियमावली निर्धारणी से है, जो एक नियम के अंदर वो बना रहता है और जिसके द्वारा हम सीख कर बोलते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। लेकिन बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, तो इसीलिए भारतवर्ष में वैसे संविधान के अनुसार 22 भाषाएं आरक्षित हैं, लिखित हैं, या भारत सरकार उसको मान्यता प्रदान की है, लेकिन बोली बहुत ज़्यादा है और क्षेत्रीय बोली इतनी सारी है, और सभी संस्कृत हिंदी से अपभ्रंश होते हुए, मतलब टूटते हुए, टूटता और बिगड़ते रूप को अपभ्रंश कहते हैं, तो वो उसका रूप बना है। तो भाषा और बोली में अंतर है, जो जिसका व्याकरण है वो भाषा कहलाता है, जिसका व्याकरण नहीं है उसे हम अपभ्रंश कहते हैं या क्षेत्रीय बोली। अब हम जानेंगे भाषा को अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है, जैसे पाश्चात्य विद्वान हो गए एवं भारतीय विद्वान हो गए। तो जब परिभाषा की बात आती है तो परिभाषा वही लोग दे सकते हैं जो किसी वस्तु के बारे में अंदर से उसे जान सके हों, पहचान सके हों या अनुभव किए हो। तो क्योंकि परिभाषा देना कोई सरल कार्य नहीं है, परिभाषा किसी का देना अत्यधिक कठिन कार्य है, लेकिन परिभाषा देने का तात्पर्य ये है कि आप उसे उस वस्तु को आप अपने हृदय में आह्लादित कर चुके हैं, आप उसे अपना चुके हैं, आप उसे समझ चुके हैं, इसीलिए परिभाषा देना बहुत कठिन कार्य है। तो मैंने कुछ भारतीय विद्वानों का कुछ परिभाषा लिया है। जब परिभाषा या इत्यादि किसी वस्तु के बारे में बात आती है तो भारतीय जो विद्वान लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, उस पर थोड़ा लोग कम सुनना चाहते हैं, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों पे लोग बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, जैसे मैक्स मुलर हो गए, विलियम्स हो गए, चाहे और जितने भी लोग हैं उस पर बहुत ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। लेकिन हम भारत के अनुसार देखेंगे, क्योंकि ये हिंदी अपना भारतीय ही है। तो भारतीय
विद्वान एक दार्शनिक, ये दार्शनिक भी हैं स्वामी दयानंद जी, तो इनके अनुसार है हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, क्योंकि एक हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो भारत में बहुत ज़्यादा बोली जाती है और किसी न किसी आपको हर राज्य में सुनने और देखने के लिए मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। यदि आपको हिंदी भाषा आती है तो भारत में आप आराम से कहीं पर भी रह सकते हैं। दूसरा है नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार, ये एक बड़े लेखक भी हैं हिंदी साहित्य के, तो भारत की परंपरागत राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये परंपरा के बारे में ये बता रहे हैं, से इन्होंने हिंदी के बारे में बताया से ये परंपरागत भाषा है। और तीसरा है संपूर्णानंद के अनुसार, अंग्रेजी सर पर ढोना दूब मरने के बराबर है, क्योंकि अभी भी हम भारत में रह रहे हैं और अभी भी हमें भारतीयता कुछ नज़र नहीं आ रही है, और भारतीयता के बारे में और भाषा के बारे में एक बहुत बड़े कवि हैं हिंदी के, उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, उन्होंने बहुत अच्छा अपने दोहे के माध्यम से बताया है भाषा के बारे में, से जैसे कि मुझे एक दो याद भी है, से बोली सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदी जी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, इत्यादि इत्यादि उन्होंने बहुत ज़्यादा बताई है। तो भाषा की परिभाषा हम देख चुके हैं, अब हम जानेंगे भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा जान लें भाषा का महत्व, भाषा हम क्यों बोलते हैं, कैसे बोलनी चाहिए, उसके क्या तरीके हैं। तो कहा जाता है भाषा के माधुर्य से मन पाता सौगात, भाषा एक अपनी मातृभाषा ऐसी होती है जब तक हम उसमें अपने भाव को यदि व्यक्त नहीं करते हैं तब तक हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो और एक कबीर ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोए, और उनको शीतल करे आप हो शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं जिससे दूसरों को कष्ट ना हो, तो हम अपनी भाषा एवं अपनी अभिव्यक्ति को इस प्रकार प्रकट करें, इस प्रकार बोलें से सामने वालों को बिल्कुल कष्ट ना हो। और संस्कृत में भी कहा गया है से प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, तो प्रिय वाक्य बोले अर्थात ऐसी वाणी बोलिए से सामने वालों को बिल्कुल कष्ट ना हो, क्योंकि वाणी बोलने में कष्ट नहीं लगता है अर्थात कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए उसमें दरिद्रता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए भाषा के शब्दों में। तो भाषा के प्रकार यदि हम देखें तो भाषा के तीन प्रकार बताए गए हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा आप शब्द से ही समझ सकते हैं से मौखिक अर्थात मुख के द्वारा, जो हम बोलते हैं अपने मुख द्वारा जितने भी भाषाओं में बोलियों में एवं वर्णों एवं लिपियों के द्वारा, वो सभी मौखिक भाषा कहलाती हैं। और अपने भाव एवं अभिव्यक्ति को यदि हम जब लिख कर यदि प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, और सांकेतिक भाषा ये है जिसमें ना लिखित हो ना ही मौखिक हो, और उस हम अक्षर शब्दों के द्वारा हम उस अपने वस्तु को हम प्रकाशित करें बिना लिखे एवं बोले, वो सांकेतिक भाषा है। जैसे अभी भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा अभी भी होता है, कम नहीं है, जैसे कि विद्यालय है और सड़क है बगल में, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है और दिखाया जाता है से विद्यालय है, और यदि हम गाड़ियाँ चलाते हैं सड़कों पर तो वहाँ पर लिखा रहता है से इतने मीटर की इतने स्पीड की दूरी पे ही आप चलाएं गाड़ी को अपने, तो एक उसका नियम है, एक सीमा है, तो वो हमें बताता है। घना जंगल है तो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा रहता है यहाँ पे जंगल है, जैसे कि मानचित्र में यदि देखा जाए, भूगोल में अपने देखा जाए, तो चित्र को समझने के लिए वहाँ पे संकेत दिए रहते हैं। तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं संकेत का वहाँ पे प्रयोग होता है जब ना हम लिख कर जल्दी समझा सकें ना ही हम पढ़कर समझा सकें, तो हम वहाँ पे संकेतिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे हम संकेत कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में सिंबल भी कहते हैं। तो भाषा में भी हम ये अत्यधिक इसी तरह देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही।